जिज्ञासा मानव चरित्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आम व्यक्ति के लिए अखबार पढ़ना, टीवी चैनल देखना, सोशल मीडिया से अपडेटेड रहना एक आवश्यकता बन गई है। इसी कारण पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय बन गया है। नमस्ते। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हमारे IIMM के छात्र पत्रकारिता की एक झांकी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सुघोर से देखिए आज की पत्रकारिता को। Arpit is a young, enthusiastic, brave journalist who works in IITV in Delhi and who only cares about truth and nothing else. हाय अर्पित। या हाय मैथिली। अरे तुझे पता है अदिति का भी सिलेक्शन हो गया है अपने ही ऑफिस में। हाँ अदिति को भी लाइन पे ले। हाँ रुक जा मैं उसको लाइन पे लेती हूँ। हेलो हाय अदिति। हाय कांग्रेचुलेशंस यार, ऑल द बेस्ट, आई होप यू लाइक इट। थैंक्स गाइस। या फिर भी मैं थोड़ी नर्वस हूँ एंड आई होप एंड प्रे सब कुछ ठीक हो जाए और अच्छे से निपट जाए। बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस मैम, बहुत बढ़िया लगा। नहीं तो तेरी जॉब लगेगी। अच्छा सुन यार, आज ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ मिली मेरे को। यस यस, तो आज 9 बजे तुम दोनों कैबिन बनाने में, ठीक है? साथ में चलेंगे, मैं आपको दिखाना है। ओके ओके, चल ठीक है, मिलते हैं। चल बाय बाय। Arpit reaches IITV's HR room to show his breaking news story. Barnita is the HR of the IITV and who has high-end contacts and is also a well-known journalist. Good morning, ma'am. Good morning, Arpit. Seems like you're having a good day. Ma'am, I've got an amazing dhamakedar news for you. Sure, aapko bahut zyada pasand aayegi. Ma'am, is video ko shoot karne ke liye risk bhi bahut zyada tha. Arpit with so much excitement shows a video recording to his HR which contains a politician from JPP party bribing somebody with cash. What's this Arpit? Bollywood mein jao, ja ke kuch nayi khabrein leke aao, chatakedar. TRP ka socho thoda. Powder order ki khabrein, nepotism, riya, kitna kuch to chal raha hai wahan pe. And kya dekhe aaye ho tum ye sir? I don't have time to waste, huh? Ma'am, ye kaise keh sakti hain? पॉलिटिकल न्यूज फुल एक्सपोजर, मेरे को लगता है कि शायद इसे ब्रेकिंग न्यूज में होना चाहिए। मैम एक बार प्लीज आप कंसीडर करके देख लो। अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्या ब्रेकिंग न्यूज होता है क्या नहीं? पानी में रहके मगरमच्छ से बह। सॉरी मैम, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। चैनल का TRP गाइडलाइन किसी चीज का तो कुछ है ही नहीं। Shipra and Rui are Arpit's colleagues at his office gossiping about him. जो नया लड़का जिस जो ज्वाइन किया अभी फिलहाल एज अ रिपोर्टर उसने ज्वाइन करा है, लेकिन मतलब बहुत ही ज्यादा ब्रेव लड़का है यार। मतलब पहला दिन है उसका ज्वाइन किया हुआ, पहले दिन वो उसके केबिन में ऊपर से लड़ाई करके आ गया स्क्रिप्ट को लेकर के। आज तक हमारी हिम्मत नहीं हुई यार, मतलब दम है लड़के में यार। ये सब तो छोड़ी, अभी नया नया आया है ना, नए नए जो भी आते हैं ना, सब सच्चाई इंसाफ पता नहीं किस किस चीजों की बातें करते हैं। अभी कुछ दिन रुक जा, अपने उस पे अपने औकात पे आ जाएंगे। अभी TRP इंक्रीमेंट से सब की बातें करेंगे, दूर से ऐसे भी सब चीज अच्छा लगता है। मैत्री इज बर्निताज असिस्टेंट हु मैनेजेस हर स्केड्यूल्स एंड आल्सो इज अर्पित्स फ्रेंड। गुड मॉर्निंग मैम। मैम कुणाल जी आए हैं JPP पार्टी से और आपसे मिलना चाहते हैं, सो कैन आई सेंड हिम इन? Kunal is a politician from the JPP party and is also a well-wisher for IITV from years. नमस्कार, नमस्कार मैडम जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। याद भी आती है आपको हमारी? छोड़िए, पार्टी को तो याद कर लीजिए। इलेक्शन सर पे है। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चिंता मत कीजिए, हमारा फुल सपोर्ट आपके साथ है। और देखिएगा इस बार के चुनाव जीत के तो आप हमें पार्टी भी दोगे। बस यही तो सुनना था हमें आपसे, आपको आपका डोनेशन
मिल जाएगा। बस ऐसे ही हमारे साथ साथ बनाए रखिए, पर और कुछ नहीं चाहिए। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सच्चाई सामने लाने का दम है। मैं फिर भी झूठ फैलाता हूँ, मैं आज का पत्रकार कहलाता हूँ। मुझे ड्रग्स दो, मैं चिल्लाऊंगा, मैं तो बस रिया के गीत को गाऊंगा। किसानों को नज़रअंदाज कर मैं बॉलीवुड की बात बताऊंगा। रोजगार की बात न करके मैं सरकारी चापलूस बन जाऊंगा। उसी बात को मानेंगे सब जो मैं उन्हें बताऊंगा। मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, टीआरपी के लिए लोगों को आपस में लड़ाता हूँ। मैं आज का पत्रकार कहलाता हूँ। डर हो किसी सेलिब्रिटी को, मैं वाई प्लस सिक्योरिटी की मांग उठाता हूँ। सेलिब्रिटी की सुसाइड को भी मर्डर बता के इंसाफ दिलवाने में लग जाता हूँ। पर जब बलात्कार हो किसी देश की बेटी का, मैं मौन व्रत पे आ जाता हूँ। जिम्मेदारी आम जनता की खबर दिखाने की थी, पर मैं नेपोटिज्म की खबर दिखाता हूँ। तभी तो मैं आज का पत्रकार कहलाता हूँ। पत्रकारिता अलग नहीं, अब फिल्मों के ही जैसी है। मुझे भी तो एक्टिंग करनी शो में, औरों से भी करानी है। आ जाए दर्शक तो ठीक है, नहीं तो मैं खरीद कर ले आता हूँ। हजी, तभी तो मैं आज का पत्रकार कहलाता हूँ। मैं तो भाई चिल्लाऊंगा, शोर भी मचाऊंगा। मुझे बदनामी से मिली सही, पर शोहरत बहुत जरूरी है। क्या बताऊं सच तुम्हें, जब झूठ बोलने की कीमत मैंने खाई है। मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मनमर्जी की बात बताता हूं। समझे हुजूर, तभी तो मैं आज का पत्रकार कहलाता हूं। सो अ फ्यू इयर्स लेटर। गुड मॉर्निंग मैम, आज आपकी मीटिंग A1 चैनल के हेड के साथ फिक्स की गई है, एंड वी हैव टू रीच देयर बाय 9। सुना है जब से इंडस्ट्री में आई है किसी से डरती नहीं है, सबको एक्सपोज करने में लगी हुई है। लगता है आज का इंटरव्यू इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा ठीक है, ड्राइवर को बोल दो 10 मिनट में गाड़ी करवा दे। बर्निता रीचेस A1 चैनल एंड ओपन्स द डोर टू मीट द हेड। अर्पित, तुम? बॉस को बॉलीवुड टीआरपी पाउडर एंटरटेनमेंट नेपोटिज्म के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता क्या यार? क्या टीआरपी की रट लगाए बैठी रहती है? और ये क्या जेपीपी पार्टी के रट लगाए रहती है यार, हर वक्त पार्टी पार्टी पार्टी। जब मीडिया ही पार्टी की आईटी सेल बन जाएगी तो इस देश में सच कौन दिखाएगा यार? मैं तो इस गंदगी को छोड़ के जा रहा हूँ। मैं तुमको भी बोल रहा हूँ, तुम लोग भी इस गंदगी से निकल जाओ। हाँ छोड़ दो यार, ये सब बहुत बहुत खराब लोग हैं। चल ठीक है, बाय। सो यस, अर्पित बिकम्स वन ऑफ द लीडिंग एंड सक्सेसफुल जर्नलिस्ट इन द कंट्री विद ऑल द एथिक्स एंड वैल्यूज। सो हेंस प्रूव ही बिकेम अ जर्नलिस्ट टू कम एज क्लोज एज पॉसिबल टू हार्ट ऑफ द वर्ल्ड। So this play is to show what journalism is in this modern world and how to overcome all the hurdles and always to be truthful. So we, as the young journalists of this country, together take the responsibility to always.